CM Trader, Amroad Una, authorized dealer of Savraj Tractor and Agri Implements, authorized dealer of Field King Rotavar Tiller, automatic potato planter. Contact for more. संसद के दोनों सदनों में किसान बिल के पास होने पर हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने खुशी जताई है। वहीं विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने के आरोप भी जड़े हैं। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि आज सारा विपक्ष बिचौलियों के साथ खड़ा है। देश के अन्नदाता की इनको कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने किसान हित में इस विधेयक को पास करवाया है, जिससे अब किसान अपनी मर्जी से कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी का और इस देश की संसद का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश के किसानों की तरफ से। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसले जो है वो किसानों के हित में बिल पास करके जो है वो लिए हैं, जिससे जो एक लंबे समय से जो एक बिचौलिए जो थे, किसान मेहनत करता था, बिचौलिए जो थे वो अनावश्यक लाभ जो था वो उठाता था। जितना लाभ बिचौलियों को होता था उतना जो है वो किसानों को कम पैसा जो था वो किसानों की जेब में जाता था, और जिसके कारण इस देश का किसान जो था वो लगातार आत्महत्या की कगार पर जो था वो पहुंच गया था। आज जो फैसला लिया है, आज फार्मर्स को जो है वो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और उसको ये भी अधिकार दे दिया है साथ में कि वो अपनी मर्जी से जो है वो इस देश के अंदर कहीं भी जो है वो अपना उत्पाद जो है वो बेच सकता है। इसमें उसको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, किसी तरह की कोई आड़त जो है वो उसको नहीं देनी पड़ेगी, ये इस बिल में जो है उसका प्रावधान रखा है। और इससे भी आगे बढ़कर के कहा है कि जहाँ ये अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, जो इसको खरीदेगा उसको 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो किसान को उसकी पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। आज दुर्भाग्य से आज पूरा विपक्ष, कांग्रेस और पूरा विपक्ष जो है वो आज किसानों को गुमराह करने में जो है वो लगे हुए हैं। आज उनको देश हित और किसान का हित जो है वो नहीं दिखता है, उनको सिर्फ इस देश के बिचौलियों के साथ आज पूरा विपक्ष जो है वो खड़ा है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये देश को आश्वासन दिया है, किसानों को आश्वासन दिया है कि जो उनको MSP मिलता है वो जारी रहेगा, और रबी फसल के ऊपर जो MSP देना है सरकार ने, उसने सब्जियों के ऊपर, गेहूं के ऊपर जो है वो भी जो है वो उसको जारी कर दिया है कि यहाँ तक जब हम इसको खरीदेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि APMC अपना काम करेगी, और किसान चाहे तो APMC में अपना जो है वो प्रोडक्ट बेचे, अगर उसको लगता है कि उसको ज़्यादा मूल्य जो है वो कहीं और मिल रहा है तो किसान जो है वो वहाँ पर उसको बेच सके। ये जो विरोध है ये अनावश्यक है। हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश का किसान पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। दिव्य हिमाचल TV के लिए ऊना से वी कौंडल के साथ मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।